करो, घर वालों से दुनिया वालों से मोहब्बत मत करो, नहीं करनी है, अल्लाह ने फितरत में रखी है, हम भाग नहीं सकते तो करें। लेकिन आगे फिर अर्ज करते यार सुल्तान, फिर मैं जब घर में होता हूं आपका जिक्र करता हूं, आपकी याद आती है, और जब आपकी याद आती है तो दौड़ा चला आता हूं मस्जिद नबवी में, और जब मस्जिद नबवी में हाजिर होता हूं आपका दीदार करता हूं, दिल को सुकून मिल जाता है, दिल सुकून बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है, इत्मीनान होता है। लेकिन यार सुल्तान फिर ख्याल आता है, फिर सोचने लगता हूं मुझे, मैं भी मर जाऊंगा, आपकी भी वफात होगी, तो वफात के बाद आप तो आला जन्नतों में होंगे, आला जन्नत में होंगे अंबिया इकराम के साथ, और मैं तो कहीं इधर उधर होऊंगा जन्नत, मेरा ठिकाना तो इतना बुलंद बाला नहीं होगा। यार सुनना जन्नत में यार ये मुज़दई जाफ़ेसा सुनाया, रह की दुनिया गरम चाहिए, जन्नत में सरकार का साथ चाहिए, अगर वो जन्नत चाहिए जहां सरकार का दीदार हमेशा हो, तो जिब्रील अमीन वो नुस्खा लेकर आए। वो नुस्खा क्या, वमन युति अल्लाह व रसूल, वमन युति अल्लाह व रसूल फौलाइका मा अल्लज़ीन अनअम अल्लाह मिन अन्नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। मुझे इस बात का गर्व है, फख्र भी है। किस बात का, मैं आपको बताता हूं, ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट है, ये तजुर्बा चल रहा है। किस बात का, डॉक्टर किसी को गोली देता है बेहोशी की, या इंजेक्शन करता है बेहोश होने की, और उसके बाद चेक कैसे करेगा कि बेहोश हुआ है कि नहीं हुआ पूरा, उसको चूंटी काट के देखेगा या कैंची लगा कर देखेगा या मार कर देखेगा, अगर हाथ पैर हिला रहा है तो डॉक्टर समझेगा कि अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ, इसको सुन करने के लिए, बेहोश करने के लिए और एक इंजेक्शन लगा या और बेहोशी की दवा और थोड़ी सी ज्यादा दे दो। बेहोश है या नहीं कैसे पता चलता है, चूंटी काट कर देखता है डॉक्टर, और अगर हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं तब फिर ऑपरेशन होता है, काट पीट होती है, पेट काटना है कि सर काटना है, वो सब हाथ पैर सुन होने के बाद। ये दुनिया का दस्तूर है, और इस जालिम दुनिया ने उम्मत मुस्तफा के साथ पिछले कई सालों से ये एक्सपेरिमेंट किया है, पूरे मोहल्ले मोहल्ले नशा पहुंचाया, नौजवान बच्चों को नशा का एडिक्ट बनाया, सबसे ज्यादा नशा हमारे मोहल्लों में बिकता भी है होता भी। ये सिर्फ एक इलाके की नहीं, जिस शहर में जाए ये एक तकलीफ से हम जूझ रहे हैं। इन नौजवानों को एडिक्ट बनाया गया नशा दे दे करके अय्याशियों पर, और उसके अलावा इतना ही नहीं, इनको हुस्न का परिस्तार बनाया, उसके अलावा सबसे बड़ा नशा आज के जमाने में इंटरनेट का नशा है। लोग बगैर खाने पीने के रह सकते, इंटरनेट के बगैर रहना मुश्किल है आज। सोशल मीडिया पर ये अपने दिन के 18 से 20 घंटे सर्फ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये इस कदर इस पर एक्टिव है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है नौजवानों का जो पोर्नोग्राफी में मशगूल है।